खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट न्यूज 9 चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करें। नदिया के पार की गुजा तो याद ही होगी आपको। अपनी मनमोहक और प्यारी मुस्कान से सबको दीवाना बना लेने वाले साधना सिंह ने नदिया के पार में गुजा का रोल प्ले किया था। यूपी के छोटे से गांव पर बनी ये फिल्म इतनी बड़ी हिट होगी किसी ने नहीं सोचा था। खुद साधना ने भी नहीं सोचा था कि वो महज एक फिल्म करके इतनी मशहूर हो जाएंगी। अपनी बहन के साथ एक फिल्म की शूटिंग देखने गई साधना पर सूरज बड़जात्या की नजर पड़ी और उन्होंने इस फिल्म की हीरोइन के लिए साधना को चुन लिया। यूपी के शहर कानपुर के छोटे से गांव की रहने वाली साधना गुजा के रूप में आज भी लोगों के दिलों में राज करती हैं। फिल्म सुपर डुपर हिट रही। साधना जहां भी जाती लोग उन्हें गुजा कहकर बुलाने लगे। शहरों के साथ साथ गांवों में भी साधना से मिलने के लिए भीड़ लग जाती। फैंस लाइन लगाकर उनसे मिलने जाते और पुलिस के डंडे खाकर लौट आते थे। लोगों में गुजा को लेकर ऐसी दीवानगी थी कि अपनी बच्चियों का नाम भी वो गुजा रखने लगे थे। नदिया के पार की शूटिंग जौनपुर के एक गांव में हुई थी। कहा जाता है कि जब इस फिल्म की शूटिंग खत्म हुई तो गांव के लोग रोने लगे थे। शूटिंग के दौरान साधना और गांव वालों के बीच करीबी रिश्ता बन गया। ये फिल्म 1 जनवरी साल 1982 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि साधना एक्टिंग के साथ साथ गायन में दिलचस्पी रखती थी। नदिया के पार के बाद साधना ने तुलसी, औरत, ससुराल, पत्थर और पापी संसार जैसी कई फिल्में की और बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शुमार होगी। इतनी फिल्में करने के बाद अचानक साधना फिल्मी पर्दे से दूर हो गई। वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त हो गई। इस फिल्म की सफलता के बाद सूरज बड़जात्या ने सलमान खान और माधुरी दीक्षित को लेकर हम आपके हैं कौन बना डाली थी। ये फिल्म भी जबरदस्त हिट हुई थी। इसके बाद माधुरी और सलमान की जोड़ी काफी हिट हो गई। ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट न्यूज 9 चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करें।